सशक्तिकरण योगी आदित्यनाथ को बड़ पदक्षेप। उत्तर प्रदेश रे आरंभ कले मिशन शक्ति फेज 3 कार्यक्रम। 150,000 रु अधिक छियों को मिलिबो कन्या सुमंगल योजना रा लाभ। 69,000 ग्राम पंचायत रे आरंभ हेबो मिशन शक्ति कक्ष। अधिक 173,000 बेसहारा महिला शामिल हेबे पेंशन स्कीम रे। सशस्त्र पुलिस विभाग रे अधिक महिला को मिलिबो नियुक्ति। पूर्व दुईटी पर्यायर सफलता परे शनिवार दिन उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का प्रशासन लॉन्च करिछंती मिशन शक्तिर तृतीय पर्याय कार्यक्रम। एही पर्यायर कार्यक्रम को केन्द्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को उपस्थित रे उद्घाटन करा जायछि। महिलांक निरापत्ता सम्मान आत्मविश्वास वृद्धि करिबा पई सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम रे पर्यायर उद्यम करा जायछि। राज्य रे थिबा 59,000 ग्राम पंचायत भवन बा बिल्डिंग रे मिशन शक्ति कक्ष नामरे क्लासरूम आरंभ करा जायछि। सेही परी राज्य रे नुआ 1,00,000 महिला स्वयं सहायक गोष्ठी गठन करा जिवार योजना रहिछि। 1,73,000 असहाय महिलांकु नुआ भाबरे पेंशन स्कीम रे शामिल करी सेमानकर सामाजिक निरापत्ता को सुरक्षित रखिछंती योगी सरकार। गौतम बुद्ध नगर जिला डिविजनल हेडक्वार्टर रे महिलांको पई निरापद शहर प्रकल्प घोषणा हेबा सहित बीट पुलिस ऑफिसर भाबरे अधिकरु अधिक महिला अधिकारी को नियुक्ति उपरे गुरुत्व दिया जायछि। राज्यर 1,286 पुलिस स्टेशन रे केवल महिलांको पई पिंक टॉयलेट रा निर्माण पई व्यवस्था तृतीय पर्याय मिशन शक्ति कार्यक्रम रे रखा जायछि। यहा सहित राज्यर सशस्त्र पुलिस बाहिनी रा महिला बैटालियन पई 2,982 पदवी पूरण सकाशे स्वतंत्र नियुक्ति ड्राइवर योजना। सहरांचल रे महिला मानक सुरक्षा पई महिला सब इंस्पेक्टर मुतयन। महिला पुलिस को पई शिशु जत्न गृह। महिला कॉलेज मानक रे हेल्थ क्लब इत्यादि बाबदर मध्य घोषणा करा जायछि। तबे सबुठारु बड कथा हेउछि झियो मानक आर्थिक दृष्टि रे सशक्त करबा पई कन्या सुमंगल योजना रे 30 कोटि 12 लाख टंका रो सहायता राशि घोषणा करिछंती योगी आदित्यनाथ, जहाँ द्वारा नुआ भावरे 1,50,000 झियो उपकृत होई परिबे। एही स्कीम द्वारा एबे मोट 9,36,000 हिताधिकारी उपकृत होई सारिलेणि। राज्यर सबु योग्य महिला हिताधिकारी जेपरि मिशन शक्ति अधीन रे एही सबु योजना लाभ पाई परिबे सेथि पई अधिकारी मानंकु कोड़ा निर्देश देइछंती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ब्यूरो रिपोर्ट, Argus News.